बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रॉयल पैलेस, लेट्स स्टार्ट। रॉयल पैलेस नेम्ड अल जहरा, ये शाही जो पैलेस था उसका नाम अल जहरा था। विद 400 रूम एंड अपार्टमेंट्स थे, कमरे 400 और क्या होगा वो घर थे। हाउसिंग थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एंड गार्ड्स, उसमें मुश्तमिल थे। हाउस का मतलब होता है रखना, और उसमें हजारों की तादाद में गुलाम और गार्ड रखे जाते थे। ये हाउसिंग जो है वो नॉन पैसिव वर्ब है। हाउस का मतलब चूंकि होना है यानी रखना है, तो इसको हम ये नहीं होगा वाज हाउस नहीं होगा बल्कि हाउसिंग लगाएंगे। तो ये आज हम पढ़ेंगे नॉन पैसिव वर्ब, जिनको हम पैसिव वॉइस में मजीद इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो पैसिव का मीनिंग दे रहे होते हैं। ये कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे, जब सैकड़ों हजारों की मीनिंग में आ रहा तो थाउजेंड्स आ जाएगा। सो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन, वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन वो मौजूद थे। ओवरलुकिंग द कोडलकीवर रिवर, ये दरिया का नाम है, उसकी एक साइड पे। ओवरलुकिंग का मतलब यहां से मुराद क्या होगा, इग्नोर करना यानी एक तरफ होना, उसको क्या होगा, उसकी एक तरफ थे। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना होता है। अब्दुर्रहमान थ्री स्टार, अब्दुर्रहमान वन है, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन 936, उसने इसे बनाना शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान वन, ये वन है थ्री नहीं। Started its construction in 936, 1936 में। Marble जो है ना वो Numidia से इन क्या होगा कार्टिलेज से लाया गया, ये उस वक्त के मुल्क थे। Column जो है वो and basin with golden statues थे उसमें, इन्हें मुजस्मे थे। Were imported or received as presents, तोहफे लाए गए कॉन्स्टेंटिनोपल से, ये भी उस वक्त की रियासत थी। ये कस्तनतुनिया जो बाद में अब तुर्की का हिस्सा है ये भी। And 10,000 workmen with 1,500 beast of burden, यानी beast of burden ये मुहावरा है, ये जानवरों के लिए जो बोझ उठाने वाले जानवर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबर ऑन, इस पे क्या होगा, उन्होंने मेहनत की। फॉर स्कोर ऑफ ईयर्स, कितने 20 सालों तक उस पे काम किया। एंड लास्ट ब्यूटिफाइड बाय लेटर कैलिफ, बाद में आने वाले खुलफा ने उसको एनलार्ज भी किया और खूबसूरत भी बनाया। अल जोहरा बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ रॉयल सबर्ब, अल जोहरा पैलेस वो शाही मजाफात का एक हब बन गया। सबर्ब का मतलब सराउंडिंग एरियाज कहते हैं, न्यूक्लियस का मतलब सेंटर बन गया। हुज रिमेन्स, जिसकी बाकियात, पार्टली एक्सकेवेटेड, उसकी खुदाई की गई। एक्सकेवेट का मतलब होता है बाहर निकालना, खुदाई करना। इन एंड आफ्टर 1910 एंड कैन स्टिल बी सीन, आज भी देखी जा सकती है। अब तरह देखिएगा जी, जो हमारे क्या होगा पैसे वाइज नॉन पैसे वाइज वर्ब है, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। लेट सी जी, सही कीजिएगा बच्चों। द बिल्डिंग हाउस्ड होगा, यहाँ पे पहले ही इसका मतलब मुश्तमिल होना है, तो इसलिए जब होने का मीनिंग ऑलरेडी आ जाए तो उसको मजीद पैसे वाइज नहीं बनाते। जी नेक्स्ट वाला, she belongs to, ठीक है, मुतअल्लिक होना है तो ये शी बिलोंग्ड होगा, इसको पैसे वाइज नहीं बना सकेगी। जी दे लैक्ड होगा, दे वर लैक्ड नहीं होगा, अगर वर लगाएंगे तो फिर हमें नाउन लगाना पड़ेगा। क्या होगा, दे वर लैक ऑफ या दे हैड लैक ऑफ होएगा। जी resembled, resembled हो जाएगा। कम ऑन नेक्स्ट, he fell from the roof, he was fallen नहीं होगा, he fell from the roof होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल से मुराद क्या है, गिरना है। ऑलरेडी होने का मीनिंग दे रहा है तो इसके साथ हम वो नहीं लगाएंगे, मजीद पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। जी
branches of trees weight weight to the ground. अलबत्ता समटाइम जो है इसको एक ये तो हो गया ना, यहाँ पे इस वेट से मुराद है बोझ की वजह से नीचे झुकना, तो यहाँ पे तो हमने इसको ये ऐसे ही ये ऑलरेडी पैसे मीनिंग में है, लेकिन जब वजन करना के मीनिंग में हो सकता है तो फिर उसको हम पैसे वाइज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्ज करो हमने कहा कि ये दो आर्टिकल का वेट किया गया तो फिर वर वेट हो जाएगा, फिर वहां पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब बोझ की वजह से होना तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जी ही वॉज बॉर्न होगा, ये बॉर्न जो है वो पैसे वे इस तरह से एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, ये लगेगा ही पैसे में। यानी ये दो तरह की कैटेगरी हमने देखी, बल्कि तीन तरह की, एक वो है जो ऑलरेडी पैसिव का मीनिंग या होने का मीनिंग देते हैं, उनको मजीद पैसिव नहीं बनाया जा सकता, एक वो है जो पैसिव स्ट्रक्चर में ही इस्तेमाल होंगे, उनको एक्टिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, और एक वो है जिनका डबल फंक्शन होता है, दोनों तरह से उनको एक्टिव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ केसेस में पैसिव में भी लगाया जा सकता है। जी उसके बाद नेक्स्ट सी इन अलजहरा द कैलिफ सराउंडेड हिमसेल्फ, कैलिफ ने खुद को क्या होगा गिरा होता था, सराउंडेड हिमसेल्फ, अब गिरा चूंकि खुद को है तो इसलिए क्या होगा सराउंडेड हिमसेल्फ हो गया, विद द बॉडीगार्ड्स ऑफ स्लेव्स, जो गुलामों की एक पूरी फौज थी, विच नंबर जो 3750 थे एंड हेडेड इज स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 100,000 मैन, और वो क्या करते थे वो आर्मी को हेड करते थे, हेड का मतलब हेडिंग का मतलब होता है वो सुपरवाइज करना या हेड करना या लीड करना, 100,000 मैन वो उसकी आर्मी के लोगों को, वो जो सिपा सलार मैंने आपको बताया था जो 3750 वो उसके गुलाम होते थे और ये सारे के सारे उसके ये उसी ने पाले होते थे, उनका ना माँ बाप ना कोई रिश्तेदार होता था, तो उनको वो हेड बनाता था विद देयर एड, उनकी मदद के साथ, एड अनकाउंटेबल नाउन है। द कैलिफ नॉट ओनली केप्ट ट्रीजन एंड ब्रिगेंडेज, ना सिर्फ उसने जो क्या होगा ट्रीजन बगावत, और ब्रिगेंडेज कहते हैं लूट मार, ये पुराने जमाने में ये होता था कि उस दौर में प्लंडरिंग होती थी, यानी जो समंदर के साथ साथ एरियाज होते थे वहां पे वो क्या करते थे उन एरियाज में वो आते थे बहरी कजाक आते थे चोर डाकू, वो वहां पे लूट मार किया करते थे और भाग जाते थे, तो इसको वो कह रहा है वो उसको कंट्रोल में रखते थे, इन चेक एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड अरब एरिस्टोक्रेसी, और उसने इस तरह से काम भी किया उसके जरिए से। ट्रीजन कहते हैं बगावत को, जैसे किसी बादशाह के खिलाफ जो ना बगावत हो जाती है, ये तो आपने पढ़ते हैं पूरा पुराने जितने भी किंगशिप जो का दौर है हिस्ट्री है, उस दौर में ये क्या होता था ये बगावतें होती थी उसके फैमिली के लोग या कुछ जनरल ऐसे होते थे, तो इसको क्या होगा बगावत कहते हैं ट्रीजन कहते हैं। In check but reduce influence of old Arab aristocracy. वहां पे चूंकि अरब की जो अशराफिया है aristocracy जो अशराफिया जो मुअज्जिज़ीन थे वो उनका बड़ा असर रसूख था, तो उनके वो भी कंट्रोल में रखता था, क्योंकि वो किसी का ख्याल नहीं करते थे, वो जो हेड थे जो 3750 है, क्योंकि उनकी ना कोई रिश्तेदारी होती थी ना कोई उनका तल्लुक होता था, वो अकेले रहते थे अलजहरा पैलेस में रहते थे, वहां पे उनकी दुनिया के साथ वो मेल जोल नहीं था, इसलिए वो किसी को ओबलाइज नहीं करते थे। कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ट और सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट मल्टीप्लाइड, वो बढ़ गया क्या बढ़ाया गया वर मल्टीप्लाइड, रॉयल रेवेन्यू अमाउंटेड, अब यहाँ पे देखें ये होना है उसकी रकम हो गई अमाउंटेड, इतने दिनार है अ थर्ड ऑफ विच सफाइज्ड फॉर, क्या होगा काफी होना है, ये देखे सफाइस का वर्ब भी, ये यहाँ पे क्या होगा होने का, काफी होना रकम होना या इतनी रकम होना, ये क्या है दोनों के दोनों
ये ऑलरेडी पैसिव का मीनिंग दे रहे हैं, तो होने का मीनिंग दे रहे हैं, तो इनको मजीद पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता. फॉर आर्मी एंड अ थर्ड फॉर पब्लिक वर्क्स, आर्मी के लिए और पब्लिक के कामों के लिए यहाँ पे क्या होगा, वाइल द बैलेंस वॉज प्लेस्ड इन रिजर्व, बाकी जो तीसरा हिस्सा था वो महफूज कर लिया जाता था, सेव कर लिया जाता था. उसके बाद नेवर बिफोर वॉर कॉर्डोवा वाज सो प्रॉस्पेरस, इससे पहले कर्तव्य कभी भी इतना खुशहाल नहीं रहा. अब ये क्या यूज किया गया है, इन्वर्जन इस्तेमाल की गई है, वॉज पहले आ गया और कॉर्डोवा बाद में इस्तेमाल होगा. इन्वर्जन में वही तरीकेकार याद रखना है, चूंकि हमारा इससे पहले भी नेवर बिफोर हिज अराइवल या नेवर बिफोर हिज रूल वॉज कॉर्डोवा, या आगे इस तरह से आ जाए कि नेवर बिफोर हिज रूल वॉज कॉर्डोवा एंड क्या एंडलेजिया. अब यहां पे बताइएगा वॉज आएगा या वर आएगा, नेवर बिफोर हेम या नेवर बिफोर अब्दुर्रहमान वॉज कॉर्डोवा एंड एंडलेजिया सो प्रॉस्परस. क्या गलती होगी, वर आएगा. वर आएगा. अब ये जो इसमें मैं अभी लिख के आपको बताता हूँ, इसमें जो मिस्टेक होती है, मसलन इस तरह से अगर आ जाए नेवर बिफोर अब्दुल रहमान वॉज कॉर्डोवा एंड कॉन्स्टेंटिनोपल so prosperous. अब यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में असल में कंफ्यूजन क्या होती है कि आपका जो नेवर बिफोर, अब हमारे पास चूंकि इन्वर्जन में आ रहा है, वॉज पहले है और सब्जेक्ट बाद में. अब ये जो हमारी जो फ्रेज है इन्वर्जन में, ये हमें कंफ्यूज करती है. हमारे जहन में आता है कि ये अब्दुर्रहमान के हिसाब से वाज है. अब ये नेवर बिफोर अब्दुर्रहमान, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये इसका तल्लुक जो है वो वाज के साथ नहीं है. इसका तल्लुक, वाज का तल्लुक फिर किसके साथ है, कॉर्डोवा और कॉन्स्टेंटिनोपल है. अब ये दो सिटीज हैं या दो जो ना वो शहर हैं उस वक्त के, तो इसलिए यहाँ पे फिर हमने क्या यूज करना है, वहां पे वर का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब का इस्तेमाल करना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे वो कौन से हैं, वो कॉर्डोवा कॉन्स्टेंटिनोपल है. हमें कंफ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि जब इन्वर्जन में सेंटेंस इस्तेमाल होता है तो फ्रेज में जो नाउन होता है वो हमें कंफ्यूज कर सकता है कि शायद हमारा सब्जेक्ट ये है. चूंकि हमारी आमतौर पर जो इंग्लिश का स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसमें यही होता है कि जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट होता है, तो ये आपने ज़हन में रखना है. एंड इंडोनेशिया सो प्रॉस्परस एंड स्टेट सो ट्रायम्फेंट, इतनी सक्सेसफुल नहीं थी स्टेट और इंडोनेशिया, ये भी एक जनाबो शहर है उंदलस जिसको हम कहते थे, सो रिच एंड स्टेट सो ट्रायम्फ. जी अब यहाँ पे ये एलिप्सिस इस्तेमाल किया गया है, वॉज कॉर्डोवा और इंडोनेशिया के साथ फिर वॉज नहीं लगाया, ये बैकग्राउंड से अंडरस्टूड है कि ये उसी के बारे में बात हो रही है. लेट्स सी जी बच्चों नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस करने हैं आपने. He was hospitalized. अब ये क्या होगा, ये पैसिव फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा हॉस्पिटलाइज्ड, तो यानी इसको पैसिव बनाना पड़ेगा वरना इसका मतलब होना नहीं है. जी उसके बाद एरिया वॉज पॉपुलेटेड. अब देखे ये यहाँ से कुछ वर्ब्स हैं जिनको हमें पैसिवाइज बनाना पड़ता है, उनको इस तरह से फॉर्म नहीं लिख सकते जिस तरह से हमने पीछे देखा. जी रेड है, ये जरा गौर कीजिएगा, जैसे हमने देखा हो कुछ साइन बोर्ड पे लिखा हो उस पर लिखा है तो क्या होगा, साइन बोर्ड रेड यानी होना, नजर आना या लिखा होना, होने का मीनिंग दे रहा है, तो इसको मजीद पैसिवाइज नहीं बनाते. जी वाज रिटायर्ड,
ये जिस तरह से आप ऊपर हॉस्पिटलाइज्ड है, पॉपुलेटेड है और वॉज रिटायर्ड है, इनको हमें पैसे वाइज बनाना पड़ता है जी। चाइल्ड अपीयर्ड चाइल्ड अपीयर्ड, अपीयर्ड को कैसे हम अपीयर्ड पहले ही किसका मीनिंग दे रहा है, पैसे वाइज का मीनिंग दे रहा है होना, इसके साथ हमने ये इस्तेमाल नहीं करना जी। वेड होगा यहाँ पे, मुराद वेट होना है, वजन होना है, तो क्या होगा उसके साथ नहीं लगाएंगे, प्रोजेक्ट अमाउंटेड अमाउंटेड टू होगा। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा अमाउंटेड हो जाएगा जी। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑल दिस वॉज अचीव्ड, ये सारी चीजें हासिल की गई थ्रू द जीनियस ऑफ वन मैन, एक आदमी की जहानत से, इंटेलिजेंस से। ही डाइड एट द राइप एज, बड़ी पुख्ता उम्र में बहुत हो गया 73 में, एंड ही लेफ्ट अ स्टेटमेंट, और उसने एक क्या होगा बयान दिया या उसने कहा, वी आर टोल्ड, जो हमें बताया जाता है, वी सेड टू बी सेड दैट, उसने कहा बी कैन नोन हैड नोन ओनली 14 डेज ऑफ हैप्पीनेस, उसने खुशी के सिर्फ 14 दिन देखे हैं, यानी कि सारी उम्र वो लड़ता रहा और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी उसको मजबूत बनाता रहा हुकूमत को, और उसके फारिग दिन जो फ्री हुए वो चंद दिन ही थे, उसके बाद वो फौत हो गया। एज ऑलवेज अंडर एनी डायनेस्टी, सॉवरन सॉवरेंटी इन मुस्लिम वर्ल्ड ईस्ट और वेस्ट वॉज अनस्टेबल, हमेशा जो खानदानी हुकूमतें होती है, डायनेस्टी का मतलब फैमिली रूल को कहते हैं, सॉवरेनिटी जो खुद मुख्तारी है, जो कंट्रोल है, वो हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड में ईस्ट हो या वेस्ट हो वो अनस्टेबल था, यानी कि यहाँ पे मुगलों की आपस में लड़ाई थी, वेस्ट में ये जितने भी जो फैमिलीज थे, उमायद थे, उनमें भी आप देखते हैं कि जैसे यजीद के बाद मरवान बिन अब्दुल मलिक जो है वो उसने हुकूमत संभाली, तो उसने अपने कई भाइयों को मरवाया और कई लोगों को मरवाया, उसमें सबसे बड़ा आप अंदाजा कर लें मरवान बिन अब्दुल मलिक के दौर में, नहीं मरवान बिन अब्दुल मलिक के दौर में बहुत सारी फतूहात हुई, और उसके बाद उसका भाई आया तो उसने सारी फतूहात ये सारे उन गवर्नर्स को माजूल कर दिया। उन मजूल होने वाले गवर्नर में तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुज़ैर और मोहम्मद बिन कासम, इन सभी को जो उसके भाई ने मरवान ने अपॉइंट किया था, वो सभी के सभी जो क्या थे बाद में उनको बुरे हाल में जो ना वो उनको मौत आई, जैसे मोहम्मद बिन कासिम को जेल में फौत हो गया, उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद के बारे में कहा जाता है जिसने बुंदलस को फतह किया था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या होगा गुमनामी की जिंदगी में चला गया जब उसको माजूल किया गया, और मूसा बिन नुज़ैर के बारे में कहा जाता है कि वो शायद आखिरी दिनों में मक्का के बाजारों में मांगता हुआ नजर आया। तो ये जो जनरल थे जिसके जिनके डर से पूरे पूरे इलाके कांपते थे, ये उनका आखिरी दौर में हशर किया गया। तो ये मुसलमानों की हुकूमत में ये ऐसे जो ना वो रहे प्रॉब्लम्स, ये बैड स्पॉट है जो हम मुस्लिम हिस्ट्री में देखते हैं कि मुसलमान आपस में बरसरे पैकार रहे, और ये हिस्ट्री तो खैर वो अरब की हिस्ट्री है, इसके अलावा आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देख लें तो वहां पे भी आपको मुगल अम्पायर में एक बादशाह, इवन बड़े नेक और पारसा बादशाह जहां वो क्या नाम है औरंगजेब आलमगीर, वो अपने 3 भाइयों को मार के फिर जो है ना वो बादशाह बना था, हालांकि वो बड़ा नेक आदमी था, लेकिन नेकी का ये आलम उसका कि जब बादशाह बना तो उस वक्त 3 भाइयों को मार के फिर वो जो है ना वो बादशाह बना, जिसमें बड़े बड़े नामवर वो थे वो लोग। तो लेकिन ये जो डायनेस्टी का जो असूल है कि इसमें क्या होगा अपनों को भी मारा बख्शा नहीं जाता, तो यही कह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये जो रूल है सॉवरेनिटी है ये हमेशा अनस्टेबल रही, गैर मुतजलजल रही। इन स्पेन एंड उमाय डायनेस्टी केप्ट द नॉमिनल रूल, अब स्पेन में
स्पेन में जो मामूली सा रूल रह गया फ्रॉम टाइम अब्दुर्रहमान, क्या होगा टू इम्पोज्ड इट, जब अब्दुर्रहमान फौत हो गया तो उसके बाद जो उसने बनाया था, इम्पोज किया था, इम्प्लीमेंट किया था, क्या होगा वो मामूली सा रह गया। यानी अब्दुर्रहमान टू जो ना इंतहा निकम्मा आदमी था उसका जो बेटा था, लेकिन बाय द टाइम ऑफ सेशन ऑफ नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर इन द डायनेस्टी, उस खानदान की अगली जो गैर मामूली आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट जो शख्सियत या किरदार था वो अब्दुर्रहमान थ्री था। ईयर 912 में सिविल डिस्टर्बेंस थी, बहुत सारी खाना जंगी थी, ट्राइबल बहुत सारे ट्राइब्स रिवोल्ट कर चुके थे, इन्हें बगावत कर चुके थे, हैड रिड्यूस मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन टू सिटी ऑफ कॉर्डोवा तक महदूद था जो उसका कैपिटल था और उसके कुछ गिर्दोनवा के इलाके थे। लेकिन अब्दुर्रहमान थ्री जो पोता था पहले अब्दुर्रहमान वन का, वो सेम टू सेम अपने दादा की कॉपी था। उसने 50 साल तक फिर हुकूमत की और उस अरसे में उसने दोबारा से पूरे स्पेन पे कब्जा कर लिया और दोबारा से उसी वो उसी शान शौकत के साथ उसने हुकूमत की। लेट्स सी बच्चों, आगे आते हैं जी हम सेंटेंस पे। जी कमांड, दिस बिल्डिंग इज अबाउंडेड। क्या होगा इज अबाउंडेड नहीं होगा, पहले इसका मतलब होना है तो ये दिस बिल्डिंग अबाउंड्स इन होगा, यानी इज नहीं लगाएंगे हम, अबाउंड्स इन। जी नेक्स्ट वाला, अराइव्ड होगा क्योंकि पहुंचना पहले ही होने का मीनिंग दे रहा है तो उसको मजीद वर अराइव्ड नहीं लगाएंगे। सी शी बिलोंग टू अ फैमिली, जी बिलोंग्ड हो गया। ही क्या होगा, ही बेनिफिटेड। उसके बाद कंप्लाई विद, किसी चीज के साथ चलना, कंप्लाई विद तो क्या होगा, द बॉयज कंप्लाइड विद द इंस्ट्रक्शन। वर या वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा, कंप्लाइड विद होगा किसी चीज के साथ चलना, जैसे यू शुड कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस। जी टारगेट रिमेंड, रिमेंड होगा ये होने का मीनिंग दे रहे हैं, और रिकर का मतलब होता है बार बार आना, तो इसको हम क्या कहते हैं, होना है बार बार होना है, तो द चेंज रिकर टू हिम मेनी टाइम, बार बार आई उसके पास। जी बच्चों ये तो थे हमारे आज के पैराग्राफ, अब चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, कौन करेगा जी से? जी ओके कौन, एनीवन? फजाइला शबीर, फजाइला शबीर, ईशा तारिक, फिजा शफाक, अल जहरा पैलेस वाज अ रॉयल पैलेस, इट वाज लोकेटेड इन कॉर्डोवा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 400 रूम्स, इट कंसिस्ट, ये कंसिस्टेड, इट कंसिस्टेड ऑफ 400 रूम्स, there were in that house thousands of slaves and guards. यही हाउस रख करता था ना, तो क्या होगा, इट हाउस हो जाएगा, इट हाउस थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एंड गार्ड्स। इट स्टार्टेड इन 1836 नहीं, क्या चीज स्टार्ट हुई इसकी, कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ये स्टार्टेड जो है ना होना भी है और वाज स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, ये स्टार्टेड दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैंने बताया था ना तीन कैटेगरी आपको ये पैसिव वर्ब की बताई, एक जिनको आप पैसे बना ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मीनिंग दे रहे होते हैं, इनको एक को डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक को हम बनाएंगे ही पैसे में, पैसे स्ट्रक्चर ही उसका पैसे होगा। जी करिए हम,
It was built with 10,000 workers, 1,500 beasts of burden, and labor of 20 years. And the labor of 20 years. जी अब यहाँ पे जब भी हमने of की preposition लगानी है तो फिर उसके साथ हमने क्या use करना है the का इस्तेमाल करना the labor of. जब भी याद रखना है कोई भी of के साथ preposition phrase आ जाएगी तो वो उसकी possession को show करती है वहां पे हमने the का इस्तेमाल करना है. तो एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ अल जहरा पैलेस वाज अ रॉयल पैलेस which was located in Cordova on the bank of the river. It consisted of mushtamil hona hai. Isko mazid paise wise nahi banayenge. It housed ye bhi hona hai rakhna hai. Iske saath bhi nahi banayenge. Its construction was started ya started dono tarah se likha ja sakta hai. Or it was built hoga. Next wala question ji Alina Shafiq. किस तरह से उसने कंट्रोल किया रिवोल्ट को या आर्मी को हिरा जाहिद रोमा आसिफ ही कंट्रोल्ड आर्मी रिवोल्ट्स ट्रेजन एंड अरेबियन अरिस्टोक्रेसी with the bodyguards of slaves. They were 3,750 in numbers. They headed the key posts and the army. Jee, they headed. Controlled. Abdurrahman controlled. They were. Or kya agar they headed ho jayega. Uske baad hai next see hamare paas prepositions hain. Ye kya hoga? Jitne bhi prepositions hain. बताइएगा चले आप पहले जरा ठीक कीजिएगा फिर मैं बताता हूँ कम ऑन अभी उसके साथ टू नहीं आएगा ठीक है आगे एडवाइस के साथ भी नहीं आएगा नेक्स्ट लोग के साथ भी नहीं आएगा चले बाकी आप समझ आएगी होगी कि आगे क्या होगा सभी में टू इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें उसमें ये कॉमन से वर्ड हैं जिनके साथ अक्सर हम क्या करते हैं वो टू लगा देते हैं उसकी वजह ये होती है कि मैंने अपने उसने अपने तालिब इल्म को अलाउ किया तो को आ जाता है उसको नसीहत की उसको गाली दी उसकी मदद की उससे क्रिटिसाइज किया उसके बारे में बात की ये हमारे पास चूंकि उर्दू में प्रपोजिशंस होते हैं तो उर्दू की प्रपोजिशंस को हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने टारगेट लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि गलत है अब डिस्कस का मतलब पहले ही कि किसी चीज के बारे में बात करना है तो अबाउट नहीं लगाएंगे इसी तरह से रिक्वेस्टेड अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट की तो नहीं होगा टू नहीं लगाएंगे Resigned क्या होगा his post अपने ओहदे से इस्तीफा दिया तो से आ रहा होता है तो हम सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ये जनरलाइजेशन है सीरिया या शाम पर हमला किया तो ये पर के लिए हमारे जहन में आता है कि ये पर के साथ ऑन होना चाहिए लेकिन याद रखिएगा दो मुख्तलिफ जुबानों की जो स्कीम ऑफ प्रपोजिशंस है वो डिफरेंट होगी इसलिए इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता डिमांडेड हिम हो गया फ्रॉम हिम उससे मुतालबा किया उसके बाद फार उस अपने अंकल को माफ किया हमसायों से नफरत करते हैं तो से जो है वो अपने वालदेन से नफरत प्यार करता है और एक लड़की से शादी हुई ठीक है और रिकमेंडेड उसको रिकमेंड किया या उसको क्या होगा उसने रिकमेंड करने का मतलब होता है सिफारिश करना उसकी सिफारिश की तो ये सारे के सारे वो प्रपोजिशंस हैं जो हम उर्दू की जनरलाइजेशन की वजह से उर्दू की जनरलाइजेशन की वजह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो नहीं होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट वाला जी वन बाय वन करेंगे जी लेट्स सी ट्राई करते हैं आमना अरशद
Answer Shahid, Ayma Iqbal, Aisha Ghaffar. बुशरा हबीब, फखरुन्निसा, फरवा एवान, मैं सभी के नाम बोल दूं? चलें जी, कोई भी करेगा जी। जी अब आपने करना है जी, इसको ट्रांसलेट करना। कायदे आजम वाज अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स, ठीक है, आला किरदार के मालिक थे। अब आपने प्रैक्टिस कर ली है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन की, अब जरा आपने इसको प्रैक्टिस करनी है इसकी। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस जी, हु विल डू जिस वर्ड वर्ड का मतलब किसी का नाम है तो वो पूछ लें, बाकी जो ना आपने सेंटेंस खुद करना है। जी भाई, एनीवन? दयानदार का मतलब ऑनेस्ट होता है, रास्तबाज का मतलब राइटियस होता है, बाकी क्या रह गया जी पीछे? सेंटेंस बनाए जल्दी से। He was honest and righteous. R लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? या an honest लगाएंगे? अगर man आगे लगाएंगे? अगर आगे man लगाना है तो फिर लगाना है, otherwise adjective के साथ हमें यह नहीं लगाना। जी उसके बाद next वाला जी। फहमो फरासत का मतलब विजडम होता है और अता करना आपको पता ब्लेस्ड होता, ब्लेस्ड होता है। जी अल्लाह हैज ब्लेस्ड हिम जी, अल्लाह हैज ब्लेस्ड या हैड ब्लेस्ड हिम? हैड ब्लेस्ड हिम, पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हुआ था तो क्या होगा? हैड ब्लेस्ड हिम। पूरा सेंटेंस कौन करेगा जी? ब्लेस्ड हिम के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ब्लेस्ड के साथ हम विद का प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो अल्लाह हैड ब्लेस्ड हिम विद क्या होगा? ग्रेट विजडम हो गया जी। कम ऑन नेक्स्ट वन, सिंपल सा है। ही हैड राइट थिंकिंग, शाबाश। नेक्स्ट वाला, he deeply thought and pondered over the matter before making a decision. जी, वो क्या होगा? अब दो verb हैं, खूब गौर करते और सोचते थे, कौन वो? तो क्या होगा? वो खूब गौर करते थे, he deeply या आप कह ले excessively गौर करना क्या होगा? गौर करना क्या होगा? Pondered. Pondered और सोचना, thought. बिफोर, अब पहले है, मामले से पहले या फैसला करने से पहले, तो क्या होगा? पहले के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? पहले, बिफोर, बिफोर, और बिफोर के बाद क्या यूज करते हैं हम? नाउन या क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस। जी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। क्या सब्जेक्टिव केस लगाएंगे या वर्ब अगर आ जाए तो क्या लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्रीपोजिशन की। तो क्या होगा बिफोर? क्या हो जाएगा बिफोर? मेकिंग एनी डिसीजन। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस, इट वाज द गुड लक ऑफ द मुस्लिम सबकॉन्टिनेंट दैट दे वर प्लेस्ड विद द लीडरशिप ऑफ कायद आजम एट डिफिकल्ट टाइम। जी हम मुसलमानों की खुशकिस्मती से एक क्लॉज थी, क्लॉज होगी क्या होगा? इट वॉज गुड लक या क्या होगा? गुड फेट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दैट। अब अगली क्लॉज, मुश्किल वक्त उन्हें कायदे आजम की क्याद नसीब हुई। अब क्या होगा? नसीब दे रहा है कोई, नसीब हुई है, पैसे वही से आ गया, तो फिर हम उसमें क्या यूज करेंगे? के दे वर ब्लेस्ड विद, दे वर ब्लेस्ड विद होगा पैसे वही में। क्या होगा? विद द लीडरशिप ऑफ कायद आजम एट डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त में। यहाँ पे क्या होगा? टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एट डिफिकल्ट टाइम होते हैं। चलें जी नेक्स्ट वाला,
उन्होंने फर्दे वाहद की तरह उनकी क्यादत में काम किया और मुराद पाई. जी कौन करेगा जी? He worked for the leadership like a single man and achieved success. जी उन्होंने फर्दे वाहद की तरह उनकी क्यादत एक क्लॉज होगी और मुराद पाई. क्या होगा दूसरी क्लॉज होगी? पहला क्लॉज आज तक क्या किया आपने? He worked for the leadership like a single man. जी अब ये उन्होंने कौन कर रहा है उनकी क्यादत में काम किया? ये मुसलमानों की बात हो रही है ना, तो क्या होगा? दे वर्कड. अब यहाँ पे काम किया कब की बात है? पास की बात है, पास का वाक्य है. तो दे वर्कड इन हिज लीडरशिप. क्या होगा? इन यूनिटी, यानी फर्दे वाहद की तरह, या क्या होगा? लाइक सिंगल पर्सन. और मुराद पाई एंड अचीव्ड देयर. क्या होगा? एम्बिशन या देयर टारगेट या देयर जो भी होगा जो इसको अचीव किया. जी नेक्स्ट वाला. इट वाज अ कॉमन बिलीफ दैट पाकिस्तान कुडंट बी अचीव विदाउट कायदे-ए-आज़म. जी आम यकीन था एक क्लॉज होगी. इट वाज कॉमन बिलीफ के पाकिस्तान के बगैर कायदे-ए-आज़म के बगैर पाकिस्तान हासिल नहीं किया जा सकता था. अब पाकिस्तान को हासिल किया जाना है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया कि पाकिस्तान कुडंट बी अचीव्ड. अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो हासिल किया जा सकता है, पास की बात है, तो कुडंट के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी लगाएंगे. कुडंट बी अचीव्ड विदाउट कायदे आजम. जी नेक्स्ट वाला. फिजा शफाक आर यू देयर? यस सर. व्हाई आर यू स्लीपिंग नाउ? जी हम पाकिस्तानी. जी नेक्स्ट वाला भी आपने करने हैं. We shall always remember कायदे आजम. उसके बाद we will work hard for the welfare and progress of the country. We shall work hard for the welfare of the country. And make Pakistan the dream of Qaid-e-Azam. जी and उसे Qaid-e-Azam का पाकिस्तान बनाएंगे. We will make Pakistan the dream of Qaid-e-Azam. अब ये सारे के सारे सेंटेंस यहाँ से लेके ये सेंटेंस जो है वो क्या है? अभी करने हैं. तो जो फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं याद रखेंगे, मेहनत करेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे वगैरह बनाएंगे. तो ये सारे के सारे क्या हैं? फ्यूचर के टेंसेस हैं. अब वही तरीका याद इस्तेमाल करेंगे. कौन याद करेगा? हम. सब्जेक्ट कौन मेहनत करेगा? हम. कौन बनाएगा? हम. ये वही सेम सब्जेक्ट है और जहाँ पे फ्यूचर आ जाए वहां पे विल चल के इस्तेमाल करते हैं. दैट वॉज ऑल for today. If you have any question you can ask. Clear hai ji sabhi ko? Now this is the solution of the paragraph. You have to do apne subject ko apne practice karni hai, subject ko object ko alada alada karke aur iske baad fir apne isko karna hai bachcho. Itna hi. सर जो आपने स्टार्ट किट का बताया कि वो नॉन पैसिव और पैसिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है, उसको बता दें कि कब पैसिव के थ्रू यूज होगा कब नॉन पैसिव. जब होने का मीनिंग दे तो फिर यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टार्ट. जैसे द प्रोजेक्ट स्टार्टेड या द क्लास स्टार्टेड एट 5. अभी हमने अपनी क्लास की बात करें तो कितने बजे क्लास शुरू हुई थी? 5 बजे. तो हम कहते हैं द क्लास स्टार्टेड एट 5 AM. अब यहाँ पे ये होना है. जब होने का मीनिंग दे तो फिर हमें पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने फर्ज करो मैंने इसको एक्शन वर्ब बनाना है तो मैंने स्टार्ट की अगर या मुझसे स्टार्ट की गई तो फिर लिख सकता हूँ द क्लास वॉज स्टार्टेड बाय मी एट 5 PM. फिर होना मुराद नहीं है, वो स्टार्ट किया जाना है, करना है. तो फिर जब करना है तो फिर एक्टिव वॉइस हो जाएगा. यानी वो डिपेंड करेगा कि उसका मीनिंग कौन सा है. अगर होने का मीनिंग दे रहा है तो फिर वो पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल होगा. जी
Any other question? Done with it? Chalo, have a nice time.